us. So, mind you, this is a brief introduction because इतने मतलब छोटा सा introduction है. प्रभु जी इतनी सारी चीजें करते हैं जो मैं बोलता जाऊं तो एक पूरा टाइम उसी में निकल जाएगा. तो कन्हैया ठाकुर प्रभु जी इज करंटली सर्विंग एज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इस्कॉन पुणे. उन्होंने कृष्ण भामरामृत मूवमेंट ज्वाइन किया था 1999 में एंड देन उन्होंने 2004 में फुल टाइम कृष्ण भामरामृत ज्वाइन कर लिया था एज अ ब्रह्मचारी. उससे पहले उन्होंने MBA किया हुआ है सिम्बियोसिस इंस्टीट्यूट से 2001 में. उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनीज में ही वॉज वर्किंग लाइक सीमेंस पटनी जेंचर एंड देन उन्होंने प्रीचिंग आंदोलन में भाग लेना शुरू किया था विद सिमेंटिक. ही इज काउंसलिंग स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया. सम ऑफ द कॉलेजेस आर IIT खड़गपुर NIT त्रिची चेन्नई COEP एंड मेनी मोर. ही हैज ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस एंड वो प्रचार के लिए USA मलेशिया और अलग अलग देशों में जाते हैं. यस एंड ही हैज बीन गिविंग द नेक्टर ऑफ भगवद गीता एंड भक्ति टू सो मेनी पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. तो एट प्रेजेंट ही इज एक्टिव इन कॉन्ग्रेगेशनल टीचिंग टू स्टूडेंट्स एंड ही हैज बीन इंस्पायरिंग थाउजेंड्स इन टू डिवोशन. सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स वेलकम कन्हैया ठाकुर प्रभु जी विद अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. थैंक यू. Big Hari Bol. Dhava Kunja Bihari Ayaradha. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Teeravana Chari Yamuna Teeravana Chari Jai Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Giri Vardhari Yamuna Teeravana Chari Yamuna Teeravana Chari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Shri Harinam Sankirtan Ki Jai Shri Krishna Janmashtami Maha Mahotsava Ki Jai
श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमनंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगायते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरु दीनतारिणं। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं 2023 के इस श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के लिए। आप सब यहां पधारे हैं और इस जन्माष्टमी महोत्सव में इस इतने बड़ी संख्या में आपने आप सब सम्मिलित हुए हैं, इसका मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। वैसे ही हमारे कई वॉलंटियर्स हैं, कई भक्त हैं जो इस जन्माष्टमी को इतना सुंदर तरीके से पूरा करने के लिए जिन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है, अपनी मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सबको भी धन्यवाद देता हूं। हम सब मेहनत कर सकते हैं लेकिन हमें याद रखना होगा कि जब तक हमारे गुरुजनों की कृपा नहीं होगी, जब तक भगवत कृपा नहीं होगी, तब तक हम भगवान की सेवा नहीं कर सकते। इस प्रकार से श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव जो हम मना रहे हैं, इसके पीछे हम विशेषकर मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा श्रील प्रभुपाद का। मैं मेरी कृतज्ञता अर्पण करना चाहूँगा कि श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनकी कृपा से हम यहाँ पर विशाल नगर में इस्कॉन BCEC के नाम से जो हमारा मंदिर है, सेंटर है, यहाँ से जो हम प्रचार कार्य कर रहे हैं, ये श्रील प्रभुपाद की कृपा से ही संभव हुआ है। श्रील प्रभुपाद जिन्होंने 1965 में अमेरिका में जाकर अपनी 70 साल से ज़्यादा उम्र हो चुकी थी, लेकिन अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए श्रील प्रभुपाद ने विचार किया शायद मृत्यु का सामना करना पड़ सकता है ऐसा कुछ करने हेतु, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसका विचार नहीं किया। और आज हम देखते हैं जो छोटा सा न्यूयॉर्क का मंदिर था श्रील प्रभुपाद जहाँ से शुरू किए थे,
आज इस्कॉन के 700 से ज्यादा मंदिर पूरे दुनिया भर में हैं और इतना सुंदर प्रचार कार्य चल रहा है। तो एक प्रामाणिक भक्त, एक शुद्ध भक्त जब प्रयत्न करता है तो प्रभुपाद शायद इस धराधाम में अभी नहीं हैं, लेकिन उनकी मेहनत और उनकी कृपा इन दोनों तरीके से हम देख सकते हैं। अभी भी इतना सुंदर इस्कॉन का प्रचार कार्य चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद, अभी वैसे हम लोग केवल आधा घंटा लेट चल रहे हैं, हमारी गाड़ी, हमारे प्रोग्राम की गाड़ी आधा घंटा लेट चल रही है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा और जितना कम से कम समय होता है उतने समय में मैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कुछ बोलने का प्रयत्न करूँगा कि हमें जन्माष्टमी किस प्रकार समझनी चाहिए, हम कैसे जन्माष्टमी मनाएं। तो श्रील प्रभुपाद कहते थे कि भक्ति में भक्ति इज अ साइंस। जिस प्रकार विज्ञान कैसे सीखा जाता है, एक टीचर के अंडर में, एक वैज्ञानिक के अंडर में रह के सीखा जाता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही भक्ति एक विज्ञान है। और हमारे जो आचार्य हैं, भगवान के महान भक्त हैं, इनके माध्यम से हमें सीखना चाहिए। तो वैसे तो महाभारत में कई पात्र हैं, भगवान के कई भक्तों के बारे में वहाँ पर आता है, लेकिन भगवान के एक भक्त का गुणगान विशेषकर सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में करते हैं। श्रीमद् भागवत 12 स्कंद हैं, सारी कृष्ण की लीलाएं श्रीमद् भागवत में हैं, और वहाँ पे सुखदेव गोस्वामी और सुत गोस्वामी सबसे पहले किस भक्त की प्रार्थना को बताते हैं, वो है कुंती महारानी। कुंती जो पांच पांडवों की माँ थी, है ना, इनके प्रार्थनाएं जो कृष्ण को अर्पण की है उन्होंने, वो प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत में सबसे पहले दी गई हैं। तो कुंती महारानी वो कहती हैं, केचित आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदो अन्व प्रियस्याय मलयस्येव चंदनम। तो कुंती महारानी कहती हैं, वो पहले कृष्ण के बारे में कुछ बोलती हैं, कृष्ण के जन्म के बारे में, और फिर उसके बाद तीन कारण देती हैं कि कृष्ण आप जन्म क्यों लेते हैं। अभी प्रथा जो कुंती है, कुंती कृष्ण की बुआ लगती है और कृष्ण सामने खड़े हैं और कुंती कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करते हुए कह रही हैं, केचित आहुर अजम जातम। वो कहती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि अजन्म जो है उसने जन्म लिया है। वो कृष्ण को कह रही हैं, आप जन्म नहीं लेते पर आप फिर भी जन्म लिए हो। अभी अजन्मा को जन्म कैसे लेता है? श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हम भी आत्मा हैं, इस शरीर का जन्म होता है लेकिन आत्मा का कोई जन्म नहीं है, आत्मा का कोई मृत्यु नहीं है। इस शरीर को आत्मा धारण करता है और जब शरीर प्राप्त होता है उसे हम जन्म कहते हैं, और आत्मा जब शरीर छोड़ता है तो उसे हम मृत्यु कह देते हैं। जैसे आत्मा का जन्म नहीं है, हम भगवान के आत्मा के रूप में हम भगवान के अंश हैं, वैसे ही कृष्ण का कोई जन्म नहीं और कृष्ण की कोई मृत्यु नहीं। केचित आहुर अजम जातम, जो अजम है, जिसका जन्म नहीं है, उसने जन्म लिया है, इसका अर्थ क्या है? श्री प्रभुपाद कहते हैं, कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि बड़े बड़े लोग मुझे समझ नहीं पाते। कौन बड़े लोग हैं ये? ये धनवान नहीं, ये कोई शक्ति, ये ज्ञानवान हैं, ये विरक्त हैं, ये बड़े साधु हैं, लेकिन इन्हें भी क्या हो जाता है, कृष्ण के बारे में समझ नहीं पाते। कृष्ण को सामान्य मनुष्य कहते हैं। कृष्ण कहते हैं मानुषिम तनुम आश्रितम, उनको लगता है कि शायद मैं भी दो हाथ और दो पैर लेके उनके जैसा दिखता हूँ, कुछ कैसे वैसे ही कुछ कार्य करता हूँ, तो क्या लगता है, अरे शायद कृष्ण थोड़े स्पेशल होंगे, भगवान कैसे हो सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं जेल जाना गलत बात है, जेल में पैदा होना, जेल में कैसे पैदा हो सकता है कोई, और उसे कैसे भगवान कह सकते हैं। कृष्ण कहते हैं यही तो बात है कि मुझे समझ नहीं पाता हर कोई, है ना। तो और वैसे ही कोई गाय चराने वाला, है ना, हमारे लालू प्रसाद यादव जी ने एक बार कहा था, हम भी यादव वो भी एक यादव। ऐसा कृष्ण को नहीं समझना चाहिए कि मेरा सरनेम यादव और कृष्ण का भी सरनेम यादव, शायद एक ही फैमिली के हैं हम लोग। कभी कभी लगता है गाय चराना ये कोई भगवान करते हैं क्या ऐसा कुछ। कृष्ण कहते यही तो है
जो आप समझ नहीं सकते, वो अजन्मा हैं फिर भी जन्म लेते हैं। उनके कार्य इस प्रकार से हैं कि अच्छे अच्छे लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि ये भगवान कैसे हुए। तो श्रील प्रभुपाद हमको समझाते हुए कहते हैं, जस्ट लाइक राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना। हम क्या कहेंगे सूर्य के उदय को, हम ये नहीं कहते सूर्य ने जन्म लिया, और सूर्यास्त को हम ये नहीं कहते कि सूर्य मर गया, सूर्य खत्म हो गया। सूर्य का उदय होना और सूर्य का अस्त होना, वैसे ही कृष्ण का अवतार लेना और कृष्ण का इस धराधाम से वापस जाना। श्रील प्रभुपाद कहते हैं जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त जब होता है, तो प्रभुपाद पांच तरीके से सूर्योदय और सूर्यास्त को समझाते हुए कृष्ण के जन्म को समझाते हैं। तो जिस प्रकार पहला कारण, पहला चीज समझने की है कि सूर्य का, हम कभी ये नहीं कहते सूर्य का जन्म हुआ। जिस प्रकार सूर्य का जन्म नहीं, सूर्य का मृत्यु नहीं, केवल सूर्य का उदय और सूर्य का अस्त है ना, उसी प्रकार कृष्ण कैसे हैं। दूसरी चीज प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सूर्य मुझे नहीं दिख रहा, अगर अभी आप पंडाल के बाहर जाएंगे तो हम कह सकते सूर्य मुझे नहीं दिख रहा, शायद सूर्य है ही नहीं। वैसे हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण मुझे नहीं दिख रहे तो कृष्ण नहीं है। जैसे सूर्य का होना आपकी दृष्टिकोण में अगर आपको नहीं दिख रहा है तो सूर्य नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते। वैसे ही कृष्ण कैसे हैं, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण इज प्रेजेंट ऑल द टाइम। यूरी अभी भारत हाल ही में चंद्रयान लेकर भारत, अभी चंद्र में भारत ने पदार्पण किया है, वैसे ही 1970 के दशक में, 1960 के दशक में रशिया ने सबसे पहले व्यक्ति को भेजा था, यूरी गगारिन, इसको भेजा गया था स्पेस में, केवल स्पेस में घूमकर वापस आए थे, कुछ बाहर नहीं गए थे ये। जब ये वापस पृथ्वी पर आए तो कुछ इंटरव्यू चल रहा था इनका, उसमें कई बच्चे भी बैठे थे, स्कूल के टीचर्स भी बैठे थे। तो इस व्यक्ति को, यूरी गगारिन को पूछा गया, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा, आप जब ऊपर गए अंतरिक्ष में गए, आपने भगवान को देखा क्या? तो इस व्यक्ति ने उत्तर क्या दिया, बोला नहीं नहीं मुझे भगवान दिखे नहीं। तो जो टीचर बैठे थे उन्होंने बोला, इनको यहां पर नहीं दिखा तो वहां जाकर क्यों दिखेगा? अगर यहीं पर नहीं देख पाए, क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि इनको क्या लगता है, भगवान खत्म हो गए शायद, मुझे नहीं दिख रहे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं उस जमाने में, ये 1960 की दशक की बात कर रहा हूं, श्रीलंका में एक व्यक्ति ने उस समय न्यूज़पेपर में आया था, प्रभुपाद कहते हैं इस व्यक्ति ने श्रीलंका में क्या किया, बड़ा स्टेडियम रेंट पे लिया और जाके स्टेडियम, उसमें ऐड क्या दिया न्यूज़पेपर में, मैं भगवान को चैलेंज करता हूं, है तो मेरे सामने आके डिबेट करे। पूरा स्टेडियम भरा था और इसने क्या निष्कर्ष दिया लोगों को, मैंने चैलेंज किया, भगवान आए नहीं तो भगवान है ही नहीं। देखा, ये क्या समझते हैं, इनको लगता है मैं चैलेंज करूंगा तो भगवान मेरे चैलेंज पर डिपेंड करते हैं, भगवान इस पर डिपेंड नहीं करते। प्रभुपाद कहते हैं जैसे आप अगर चैलेंज करो सूर्य को, अभी इसी वक्त मेरे सामने आओ तो मैं मानूंगा सूर्य है। प्रभुपाद कहते इस प्रकार से आप सूर्य को नहीं समझ सकते। श्री प्रभुपाद कहते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त से समझाते हुए श्री प्रभुपाद कहते हैं, जैसे सूर्य के ऊपर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है ना, हम कभी ये नहीं कहते कि सूर्य की उम्र कितनी हो गई, अभी सुबह 6 बजे सूर्योदय हुआ तो दोपहर को 12 बजे सूर्य 6 घंटे की उम्र सूर्य की हो गई, या 8 घंटा सूर्य की उम्र हो गई। जैसे काल का प्रभाव मुझ पर पड़ता है, सूर्य पर नहीं पड़ता, प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही काल का प्रभाव कृष्ण पर नहीं पड़ता। कभी कभी लोग प्रश्न पूछते हैं कि अरे आपकी भगवद गीता जशी आहे तशी, उसका फोटो देखिए, कवर फोटो, उसमें कृष्ण का उम्र, अगर कृष्ण का जन्म हुआ कभी तो कृष्ण की उम्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कितनी थी, 125 साल की। फिर भी कृष्ण तो एकदम यंग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं? क्योंकि काल का प्रभाव, क्योंकि हमारे जैसा भौतिक शरीर भगवान का नहीं होता, भगवान अपना आध्यात्मिक शरीर लेकर आते हैं,
उस पर काल का प्रभाव नहीं है। जैसे सूर्य पर काल का प्रभाव नहीं होता, वैसे ही भगवान पर काल का प्रभाव नहीं होता। कृष्ण अलग अलग अवतारों में संभवामी युगे युगे अलग अलग अवतार लेकर आते हैं, तो कभी जैसे हम ये नहीं कह सकते कि अरे नरसिंह देव के माँ बाप कौन, एक खंबा, भगवान चाहें तो एक खंबे से आ सकते हैं, है ना। जब वराह का रूप लिया भगवान ने तो ब्रह्मा जी के नासिका से निकले और ब्रह्मा जी भी देख रही है कौन आया बाहर, ये कैसे आया बाहर, है ना। तो भगवान अलग अलग तरीके से आते हैं, और जब कृष्ण के रूप में आए, कृष्ण स्वयं कृष्ण आए तो कैसे आए, सबसे पहले वसुदेव के मन में भगवान आए, वसुदेव के मन से देवकी के मन में, और देवकी के हृदय में आने के बाद सीधा सामने खड़े हो गए। जब सामने खड़े हो गए तो कौन सा रूप दिखाया भगवान ने, सबसे पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आप में से जो तिरुपति बालाजी गए होंगे, उनका नाम बालाजी क्यों है, बाल स्वरूप। ये सामने जब खड़े हो गए देवकी और वसुदेव के, देवकी का वात्सल्य प्रेम उभर कर आया, और देवकी क्या बोलती है, मुझे कंस का बड़ा भय है, कंस ने पहले 6 बच्चे मार दिए, वो तो इतने छोटे छोटे थे उनको नहीं छुपा पाई, आपको कैसे छुपाऊंगी, आप कृपया करके छोटे हो जाइए। फिर भगवान ने क्या किया, अपना वो स्वरूप कृष्ण का स्वरूप दिखाया, छोटे से बच्चे, लेकिन ये बच्चा कैसे था, इनके कृष्ण के सर के ऊपर मोरपंख था और कृष्ण के हाथ में मुरली थी। कोई वसुदेव और देवकी के पास ड्रेसिंग करने के लिए टाइम नहीं था कृष्ण के लिए, कृष्ण वैसे देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हुए थे। तो जैसे सूर्य के ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही क्या है, हमको यह समझना होगा कि कृष्ण सूर्य के समान है। जैसे काल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ता, वैसे ही कृष्ण भी काल के कैसे हैं, काल के ऊपर हैं। जैसे सूर्य का आना, सूर्योदय होना और सूर्यास्त होना, बच्चे क्या बोलेंगे, मम्मी कल सूर्योदय होगा क्या, भरोसा कैसे कर सकते हैं, बच्चों को समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ज्योतिष शास्त्र जानता है, जो एस्ट्रोलॉजी जानता है, उसे पता है कि सूर्योदय कितने बजे होगा, सूर्यास्त कितने बजे होगा, केवल कल का नहीं पंचांग बनाकर आपको साल भर का बता देंगे। तो बच्चों को जिस प्रकार सूर्योदय और सूर्यास्त नहीं समझता, वैसे ही भगवान का आना और भगवान का इस धरातल से जाना, ये सामान्य लोगों को नहीं समझता। कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चाश्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा। कृष्ण कहते हैं ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा, केवल भक्ति के द्वारा केवल मेरा भक्त मुझे जान सकता है, बाकी किसी को जानना बड़ा मुश्किल है, है ना। जैसे लकड़ी के अंदर ही अग्नि होता है, लेकिन वो अग्नि को प्रज्वलित कैसे करते हैं, वो अग्नि को प्रज्वलित शायद आप 2 पत्थर रगड़कर उससे लकड़ी आग लगा दो, यज्ञ की आग लगा दो, या आप माचिस से लगाओ, या एक समय होता था वैदिक काल में इतनी शक्ति होती थी केवल मंत्रों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होती थी। तो हमें समझना होगा कि कृष्ण कैसे हैं। कृष्ण प्रभुपाद कहते हैं जैसे सूर्य सबके लिए हैं, शायद सूर्य को अलग अलग नाम दे दो आप, कोई सूर्य कहे, कोई उसको सूरज कहे, कोई भास्कर कहे, कोई सन कहे, लेकिन वही सूर्य सबके लिए है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं वैसे ही कृष्ण केवल इंडिया के भगवान नहीं है, कृष्ण केवल हिंदू के भगवान नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका में गए थे तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद को पूछा, आप हमारे यहाँ क्यों आए हैं, क्या आप हमको हिंदू बनाने आए हैं। प्रभुपाद कहे, नहीं, मैं आपको स्पिरिचुअलिटी का विज्ञान देने आया हूँ, भगवान आपके मेरे ऐसा नहीं, आपके अलग भगवान और मेरे अलग भगवान, भगवान एक है, गॉड इज वन, केवल हमारा देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है, अलग अलग नाम देते हैं, लेकिन भगवान और हम जैसे सूर्य एक है और सारी सृष्टि के लिए सूर्य एक है, वैसे ही कैसे भगवान क्या है, हम सबके लिए भगवान है,
और वो हिंदू का भगवान और मुसलमान का भगवान और क्रिश्चियन का भगवान कोई अलग नहीं हो सकता। जैसे सूर्य सबके लिए एक है, तो कृष्ण अजन्मा है पर फिर भी जन्म लेते हैं। कुंती महारानी कहती हैं, क्यों लेते हैं कृष्ण इस प्रकार जन्म? चाहे तो आ सकते हैं कि मैं भगवान हूं, मैं आ गया आपके सामने, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। कनेक्ट करने के लिए फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए। तो भगवान क्या करते हैं, इस प्रकार से अवतार लेते हैं कि उनके कर्म, उनकी लीला देखकर हमें क्या होता है, हम उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। व्हाट प्रभुपाद कहते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा हो वो पिताजी तक नहीं पहुंच पाता, पिता ऊंचे हैं लेकिन पिता झुककर क्या करते हैं, नीचे झुकते हैं और बच्चे की हाइट के हो जाते हैं। ठीक है, मैं आप क्यों करते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, सो दैट द चाइल्ड कैन रिलेट। वैसे ही भगवान शायद मनुष्य के जैसे दिखें और मनुष्य के जैसी लीलाएं करें। हमें ये नहीं समझना चाहिए ये हमारे जैसे हो गए, ये हम जैसे हैं या कुछ थोड़े अच्छे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण या भगवान कैसे हैं, उनकी अचिंत्य शक्ति है। हमारे में थोड़ी मोड़ी शक्ति हो सकती है लेकिन भगवान के पास कैसे हैं, अचिंत्य शक्ति है। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए, 5 साल का कार्यकाल हुआ, फिर से एक और बार प्रधानमंत्री बने, तो इन्होंने सोचा कि मैं देखता हूँ कि देश का हाल कैसे है। तो इन्होंने विचार किया, चलो मैं देश को देखने के लिए क्या करूँगा, मैं एक पागलखाने में जाता हूँ और पागलखाने में जाके देखता हूँ काम कैसे चल रहा है। तो एक पागल को चुना गया और नेहरू जी के सामने बिठाया गया और ये पागल को नेहरू जी ने सबसे पहला प्रश्न पूछा, बताओ आपका नाम क्या है? तो इस पागल ने अपना नाम बता दिया। फिर वो पागल नेहरू जी को बोलता है, अभी मैं आपको सवाल पूछूंगा, आपका नाम बताओ। तो उन्होंने बोला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर पागल बोलता है, अभी दूसरा सवाल भी मैं पूछूंगा, आप बताओ आप क्या करते हो? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला, मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं। तो ये पागल क्या बोलता है, आप भी अंदर आ जाओ, जब मैं बाहर था मैं भी ऐसा ही सोचता था। हमको क्या लगता है, अरे कृष्ण होंगे, कितने बड़े होंगे, क्या होगा? हमें समझना होगा कि कृष्ण का जन्म जो है हम जैसा नहीं है। कृष्ण ही इज नॉट जस्ट अनकॉमन ह्यूमन बीइंग, वो केवल ऐसा नहीं कि असाधारण मनुष्य है, वो भगवान है। तो कुंती महारानी कहती है तीन कारण, और ये तीन कारण बोलकर मैं समाप्त करूंगा मेरे कुछ शब्द। कुंती महारानी कहती है श्रीमद् भागवत में, पहला कारण क्या है, कुंती महारानी कहती है पुण्य श्लोकस्य कीर्तयि। भगवान क्या करने के लिए आते हैं, अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए आते हैं कि मेरे भक्त परित्राणाय साधूनां, मेरे जो साधु भक्त हैं ना, मेरे भक्त हैं, मैं इनका गुणगान करने के लिए आता हूँ। आप में से सबने भगवद गीता का कवर पेज देखा होगा, आप सोच सकते हैं भगवान क्या कर रहे हैं। भगवान अपने भक्त के लिए सारथी ड्राइवर होने को तैयार हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं, अर्जुन का गुणगान हो रहा है यहाँ पर, ये मेरा भक्त है। और आप देखेंगे भीष्म जब अपना शरीर छोड़ते हैं उसके पहले कृष्ण का नाम क्या लेते हैं, कृष्ण का एक नाम लेते हैं, कहते हैं कृष्ण आप विजय सखा हो। विजय सखा का अर्थ क्या है, वो कहते हैं अर्जुन विजयी हुआ युद्ध में और आप उनके सखा हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे भक्त से मुझकर जोड़कर कुछ किया। क्यों? क्योंकि मैं आता हूं मेरे भक्तों का गुणगान करने के लिए, क्योंकि मेरे भक्त मेरे लिए बड़े विशेष हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भक्त विशेष क्यों है, क्यों भगवान की चापलूसी करते हैं इसलिए? प्रभुपाद कहते नहीं, प्रभुपाद कहते मेरा भक्त वो है जो अभी मेरे पास वापस वैकुंठ आने के लिए ये रेडी हो गया है, इसके बाद ये जन्म नहीं लेगा। जो भी भगवान की भक्तिमय कार्य में लगता है, भक्ति में लगता है, क्या होगा, वो भगवान को बड़ा प्रिय है, क्योंकि अभी क्या होगा, ये भगवत धाम वापस जाने के लिए तैयार है। कुंती महारानी कहती है दूसरा कारण क्या है भगवान के आने का, कुंती महारानी कहती है कि भगवान दया सदृश आते हैं। किस पर दया करने के लिए, हम सब पर दया करने के लिए, है ना। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते स चराचरम, कृष्ण कहते मेरी अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य कर रही है। और ये प्रकृति क्या कर रही है, कृष्ण कहते दुखालयम, ये जगत कैसा है, दुखालय है।
इस जगत में जीव भगवान से दूर आकर बहुत दुख में हैं, इन पर दया करने के लिए, इन पर दया दिखाने के लिए, हम सब पर दया करने के लिए कृष्ण क्या करते हैं, अपनी इतनी सुंदर लीलाएं हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। ये लीलाएं किस लिए हैं? भगवान दया के रूप में करते हैं। भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवद गीता दी है, वरना हमें तो समझने वाला नहीं था स्वयं होकर। श्री प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण किस लिए आते हैं, तीसरा कारण कुंती महारानी का, प्रभुपाद कहते हैं केवल इस भक्ति की विधि को देने के लिए, है ना। भगवान को कभी ज्ञानी वत्सल, योगी वत्सल, कर्मी वत्सल आपने सुना नहीं होगा। भगवान का नाम है भक्त वत्सल। भगवान अपने भक्ति को देने के लिए आते हैं। ये भक्ति देने के लिए कृष्ण बार बार अवतार लेते हैं, बार बार हमको समझाने के लिए आते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, मैं हर युग में आता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए। अगर मैं आपको प्रश्न पूछूं, जब नरसिंह देव का अवतार हुआ था सतयुग में, क्या आप सब थे? क्या भगवान राम का अवतार हुआ था, क्या हम सब थे? जब कृष्ण का अवतार हुआ था, क्या हम सब थे? हम सब थे। किसी ना किसी शरीर में आत्मा अवश्य होगा उस समय, और हमारी अभी तक मुक्ति हुई नहीं, हम भगवत धाम गए नहीं, इसका मतलब हम थे। पर हम अभी भी बचे क्यों हैं? क्योंकि भगवान आकर विधि देकर गए, पर हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। श्रील प्रभुपाद कहते थे मैंने अमेरिका जाने के पहले भारत में बहुत प्रचार करने का प्रयत्न किया, लेकिन भारतीय लोगों का प्रॉब्लम क्या है, हमको सब पता है, हमको सब आता है, हमें बताइए मत, हमें समझाइए मत। तो श्रील प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद बोले मैंने विचार किया ये इंडियन लोगों को मिथ्या अहंकार बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये इंडियन लोगों का प्रॉब्लम क्या है। प्रभुपाद ने वो नब्ज़ पकड़ ली। प्रभुपाद के वही चीज़ अगर अमेरिकन करे या यूरोपियन करे, ब्रिटिशर करे, तो इंडियन लोग क्या करते हैं, उसका अनुकरण करना बहुत जल्दी शुरू कर देते हैं, है ना। कई बार बच्चों को अंग्रेजी गाने सुनने को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उनको पूछो तुमको कुछ शब्द समझे उसमें से, कुछ समझा कुछ नहीं, लेकिन गाना क्यों, क्योंकि कुछ तो रॉक म्यूजिक है। प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद कहे मैंने विचार कर लिया ये इंडियन लोगों को प्रचार पहले नहीं करूँगा, मैं पहले जाके अमेरिका में प्रचार करूँगा, और मेरे अमेरिकन शिष्यों को जब यहाँ पर लेके आऊँगा, इनको नाचते गाते, इनको कीर्तन करते, इनको भक्ति करते हुए देखेंगे तो ये लोग ऐसे ही आ जाएंगे, है ना। तो भगवान बार बार क्यों आते हैं, भगवान अपनी भक्ति देने को आते हैं। भक्तगण प्रचार क्यों कर रहे हैं, हमें भक्ति देने के लिए प्रचार कर रहे हैं। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था भक्ति एक विज्ञान है, इस विज्ञान को भक्तों से समझना पड़ेगा। तो हमारे एक आचार्य रूप गोस्वामी, उन्होंने पाद्यावली बोल के एक बहुत सुंदर ग्रंथ लिखा है, इसके साथ मैं समाप्त करता हूं। वो कहते हैं कृष्ण पांच तरीके से कृष्ण का कंपैरिजन करते हैं। किसके साथ कंपैरिजन करते हैं, वो सबसे पहले कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, वो कहते हैं कृष्ण सूर्य के समान है। सूर्य के साथ तुलना क्यों की है, रूप गोस्वामी कहते हैं इस जगत में ये जगत कैसा है, अंधकार का जगत है, है ना, हम सब अंधेरे में हैं, अंधेरा कैसा है, अज्ञान का द्योतक है। रूप गोस्वामी कहते हैं इस अज्ञान से निकालने के लिए, इस अंधेरे जो अज्ञान का अंधेरा है उससे निकालने के लिए, जैसे सूर्य आता है रोज सुबह ऊपर, है ना, जब अंधेरा हो तो बड़ा डर लगता है, जब अज्ञान में हो तो बड़ा डर लगता है, उस अज्ञान को हटाने के लिए, उस अंधकार को हटाने के लिए सूर्य की जरूरत पड़ती है। वैसे ही कृष्ण जब आते हैं तो उसका कंपैरिजन सूर्य के साथ करते हैं। रूप गोस्वामी कहते हैं दूसरा कंपैरिजन करते हैं कृष्ण के आने को, वो कहते हैं कृष्ण एक नाव के समान है, है ना। हम जब अगर नदी के सामने पहुंचे, समुद्र के सामने पहुंचे, तो समझ जाता है इसमें तो डूबना स्वाभाविक है, इसको पार करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर कोई एक नाव दे दे तो क्या हो जाता है, अभी विश्वास होता है कि नाव है तो शायद पार निकल जाएंगे। वैसे ही कृष्ण का आना क्या है, इस भवसागर से कृष्ण हमें पार लगाने के लिए आते हैं। तो कृष्ण की तुलना एक नाव के साथ की है। तीसरी तुलना रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण कैसे हैं, कृष्ण वर्षा ऋतु के जैसे हैं। जब गर्मी में
इतना झुलस जाते हैं, गर्मी इतनी तेज होती है, तो हर कोई प्रार्थना करता है भगवान वृष्टि वृष्टि कर दो, थोड़ा बारिश हो जाए, थोड़ी वर्षा हो जाए। और जैसी उस गर्मी से राहत मिलती है वैसे ही बड़ा आनंद मिलता है। वैसे ही भगवान का आना क्या है, इस भौतिक जगत में हम माया की माया से तप रहे हैं। कृष्ण का आना कैसा है, कृष्ण का आना उस वर्षा ऋतु के समान है। चौथी तुलना रूप गोस्वामी कहते हैं एक धनी व्यक्ति के साथ करते हैं। जो एक धनी व्यक्ति होता है वो क्या कर सकता है, कोई गरीब है तो उसको वो धन दे सकता है और उससे उसे सुख और आनंद प्राप्त होता है। एक गरीब को जब धन मिल जाता है वैसे ही भगवान एक धनी व्यक्ति के जैसे हैं। और भगवान कौन सा धन देने के लिए आते हैं, प्रभुपाद रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण हमें एक धनी व्यक्ति हैं, और धन कौन सा देने आए हैं, कृष्ण अपना प्रेम का धन, कृष्ण प्रेम का धन देने के लिए हमारे पास आए हैं। पांचवी और आखिरी तुलना रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण एक डॉक्टर के जैसे। अब एक डॉक्टर के जैसे कैसे, डॉक्टर क्या करते हैं, हमें रोग से डॉक्टर छुड़ाते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण एक डॉक्टर के जैसे हैं, क्या करते हैं, हम जैसे बद्ध जीव को ये भव रोग, ये संसार का जो रोग लगा है, ये जो भव रोग लगा है, बार बार जन्म और मृत्यु का जो रोग लगा है आत्मा को, इस भव रोग से छुड़ाने के लिए कृष्ण हमारे पास आते हैं, बार बार इस जगत में आते हैं। तो ये जो जन्माष्टमी है 2023 का जन्माष्टमी है, इसे हमें 2021 की या 2022 की जन्माष्टमी के जैसा नहीं मनाना है कि जन्माष्टमी आए, कभी कभी हमको दिखेगा 12 बजेंगे अभी रात को, इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी, जन्माष्टमी है, रात के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ था। लेकिन याद रखिएगा भगवान के जन्म की तुलना सूर्योदय और सूर्यास्त के साथ की है कुंती महारानी ने। ये नहीं सोचना है कि केवल आज रात को 2023 में 7 सितंबर 12 बजे भगवान का जन्म हुआ, सूर्योदय कल भी होगा, परसों भी होगा, आगे भी होगा। कृष्ण जन्म केवल एक रात भर का नहीं है, कृष्ण जन्म का अनुभव हम रोज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, श्रील प्रभुपाद कहते हैं सबसे पहले ये जानकर कि कृष्ण हमसे चाहते क्या है। अगर भगवद गीता बोलकर गए हैं कृष्ण, ये ज्ञान देकर गए हैं, हमें इसे समझना होगा। नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि मुझे अभी कोई भी, जब किसी को भी मैं मिलता हूं या किसी देश में भी जाता हूं, तो मुझे जब गिफ्ट देने की इच्छा होती है किसी को, तो केवल एक गिफ्ट देता हूं, केवल भगवद गीता देता हूं, है ना, केवल एक भगवद गीता मुझे लगता है देने जैसा कोई गिफ्ट है हमारे संस्कृति में से। ये भगवद गीता क्या कर सकता है, हमें बता सकता है, भगवद गीता से पता चलता है हमें कैसे जीना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। उसमें भक्ति के बारे में दिया है, भक्ति कैसे करनी है। तो ये जन्माष्टमी की जो है 2023 की हम रोज बना सकते हैं। हम कैसे, मंदिर आइए, भक्तों का संग करिए, भक्तों से पता कीजिए कि भगवद गीता क्या है। श्रील प्रभुपाद ने जो ग्रंथ दिया है इसमें इतने बड़े बड़े तात्पर्य लिखे, इन्हें समझने का प्रयत्न करना है, और इस प्रकार से हम जन्माष्टमी रोज मना सकते हैं। तो मैं फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सब यहाँ पर आए हैं जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में। कृपया करके 12 बजे तक अवश्य रुकिए, मैं नहीं कह रहा हूँ 12 बजे केवल दर्शन के लिए रुकिए, अवश्य दर्शन लीजिए, लेकिन उसके पहले बहुत सारे अभी प्रोग्राम्स बचे हैं, विशेषकर एक नाटिका है, उस नाटिका को अवश्य देखकर जाइए। कम से कम 75 से ज़्यादा भक्तों ने उसमें एक्टिंग किया है, और ये लाइव एक्टिंग आपके सामने होगा, और बहुत सुंदर मैसेज और लेसन है, और उसके साथ ही भगवान का बहुत सुंदर अभिषेक, और उसके बाद 12 बजे के बाद सबके लिए बहुत अच्छा प्रसाद है। तो कृपया करके पूरे प्रोग्राम का आस्वादन करके जाइए, रुकिए, आज समय निकालिए, आज तो आज आपको समय निकालना अवश्य ज़रूरी है ना, क्योंकि आज जन्माष्टमी है। तो मैं फिर से एक बार धन्यवाद देता हूँ, और सभी भक्तों का, और विशेषकर चौंदे ताई का और संकेत का धन्यवाद देता हूँ कि इतना सुंदर जगह जो हमें उन्होंने यहाँ पर विशाल नगर में दिया है, जिसके कारण बहुत अच्छा प्रचार कार्य हो रहा है, बहुत अच्छी सेवाएं चल रही हैं। तो मैं उनका भी एक बार धन्यवाद देके मेरे दो शब्दों को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हरे कृष्ण।